नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। हम आपको बताते हैं, कहीं पुंछ को दहलाने की साजिश तो नहीं की जा रही है, कहीं पुंछ में नए सिरे से रिक्रूटमेंट तो नहीं हो रही है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। ये खुलासा 28 दिसंबर को हुआ था, जब तीन युवकों को पकड़ा गया था। तीन युवकों को पकड़ने के बाद उनकी निशानदेही पर हैंड ग्रेनेड बरामद हुए 6, और उन्होंने तस्लीम किया, स्वीकार किया। एज पर पुलिस, उन्होंने माना कि वहाँ पुंछ में मंदिर को एक टारगेट बनाना चाहते थे। और उसके बाद आपको बताते चले, जांडी में एक किला है, वहाँ पे मंदिर है। जांडी पड़ता है इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ में, वहाँ पर भी किले के अंदर मंदिर को टारगेट बनाया गया। और अब उनकी निशानदेही पे, मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ, मेंढर की बात करो, मेंढर के तीन लोगों की निशानदेही पे और भी असलह बरामद हुआ है। क्या कौन सी साजिश हो रही है, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन लोग मुलव्विस हैं जो शांत जम्मू प्रोविंस को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपना निशाना बनाना चाहते हैं और यहां पर भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलो, खुलो 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 खुलो, अच्छी फोटो है जी, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का वो चलना। नीचे तो हटा दे, चलो हम झंडा तोड़ो ना भैया, साहब बाहर नहीं हो, अंदर ही मिल जाए सच्चे साहब। ये अलग पिस्टल का है, ये अलग पिस्टल का है, ये मीटमेंस हो। हाँ, आराम आराम से लग रहा है। ये नहीं नहीं माला, वो है ना, वो वाला है, ये देखो ना, बात आतंकवाद की चल रही है तो आतंकवाद को सहारा देने वाले, आतंकवाद की मददगार करने वाले भी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। हालांकि इनकाउंटर्स में भी उनको कहा जाता है, आग्रह किया जाता है, गुजारिश की जाती है कि आप बंदूक छोड़ करके बाहर आ जाइए, आत्मसमर्पण कर लीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। और कुछ जगहों पे किया भी है, बहुत सारी तादाद में लोगों ने बंदूक को छोड़ करके इनकाउंटर स्थल से बंदूक को छोड़ करके वापसी की है, लेकिन आज कुलगाम में एक लश्कर के मददगार को गिरफ्तार किया गया है, उससे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। आइए देखते हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे ईंट भट्टा मालिकों की। ईंट भट्टा मालिक काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बाहर से ईंट यहाँ पर सप्लाई हो रही है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की, हालांकि जब 370 नहीं है, 35A नहीं है, बाहर से कोई भी प्रोडक्ट आकर के यहाँ पे वेयर हाउस में बिक रहा है तो ईंट भट्टे में क्या दिक्कत है। लेकिन ब्रिकलेन एसोसिएशन का ये मानना है कि उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो एक दर्जन के करीब बड़े ट्राले कोर्ट के आदेश पर पकड़े गए हैं और इनका कहना है कि अगर इस तरीके से सख्ती की गई तो यहाँ पर जो ब्रिक किलन का व्यवसाय है वो बच सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया गया तो बुरे हालत और मंदी हालत हो जाएगी। कि ये जो ट्राले वगैरह आए हुए हैं, ये इलीगल आए हुए हैं, ब्रिक किलन एसोसिएशन जो अपनी ब्रिक किलन रेगुलेशन रूल्स हैं जो जम्मू कश्मीर के 2018 के और 2020 के, उसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी लाइसेंस होल्डर जिसका नहीं है वो ईंटें जम्मू कश्मीर में नहीं बेच सकता। जिसके पास भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का लाइसेंस होगा वही जम्मू कश्मीर में ईंटें बेच सकता है। इसलिए ये सारे ट्राले जो पकड़े गए हैं ये सब इलीगल हैं और इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो ब्रिक किलन रेगुलेशंस रूल्स हैं उसमें सेक्शन 21 में ये लिखा हुआ है कि इनको पेनल्टी भी होनी चाहिए, 50,000 रुपया पर ट्राला और 2 साल की सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये सर, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये जो नेगलिजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट थी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, जिन्होंने इनको पकड़ा नहीं और ये जम्मू तक पहुँच गए, और ये बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा
रोल जो है इसमें गलत साबित हो रहा है। डीसी जम्मू ने, डिपकॉम जम्मू ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसके लिए एक आर्डर पास किया हुआ है जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो इलीगल इंपोर्ट ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम अदर स्टेट्स है ये बंद होनी चाहिए। कुछ एक्ट रिपील हुए, उन एक्ट्स में जो ब्रिक किलन रेगुलेशन एक्ट 2010 था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपील किया है और उसके तहत ही ये सारा काम इलीगल हो रहा है। लीगल जो माइनिंग वाले लोग हैं उसी इस काम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पहले जो सारा सिस्टम फ्लॉप किया था उसी तरह से ये भट्ठा इंडस्ट्री को भी फ्लॉप करना चाहते हैं और ये सारा काम जो है ये इलीगल तौर पे कर रहे हैं। और हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इसमें जल्दी से जल्दी इंटरवीन करके इस काम को बंद करवाया जाए और अपनी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को बचाया जाए। हमारा कारोबार जम्मू कश्मीर में जीरो होने की कगार पर है और जो जम्मू कश्मीर के भट्ठा के मालिक है जिन्होंने सैकड़ों लोगों को कारोबार दिया हुआ है, रोजी रोटी का जो साधन है वो ख़त्म होने की कगार पर आ गया है और हमारे जो लोकल लोग हैं एक दिन ऐसा आएगा कि वो मांगते हुए घूमेंगे। दर्शकों, ब्रिक किलन एसोसिएशन की माने तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लंबे समय से यह व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। सरकार के हस्तक्षेप और उसके बाद बाहरी व्यापारियों का आना एक दिक्कत का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, अगर प्रशासन कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में दिक्कत का सबब बन सकता है। डिपकॉम साहब के पास भी गए, आईजी पुलिस साहब के पास भी गए, हाई कोर्ट में भी गए और हाई कोर्ट ने भी आर्डर निकाला है, साहब ने आर्डर निकाले हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। कोई अथॉरिटी नहीं है इनके पास, कोई लाइसेंस नहीं है इनके पास, तो हमारे एक्ट पे लिखा हुआ है जो बिल्कुल ही नहीं भेज सकते। ये खबर थी, हम तो डिपार्टमेंट को ही सूचित किया, मोर ओवर हमने हाई कोर्ट में केस तक अप किए इस विषय में। हाई कोर्ट के डायरेक्ट डायरेक्शन है कि ये इलीगल सेल है, भट्टे वाला जो ईंट है लाइसेंस होल्डर भट्टे पे ही बेच सकता है, अदर देन भट्टे के दूसरे डेप लगा कर नहीं बेच सकता। ये तो उनकी इंस्ट्रक्शन है और बंद होनी चाहिए थी, ये पता नहीं शासन प्रशासन इस पर कोई अमल नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर सकते, ये इलीगल है। हाँ जी, इलीगल है ये। पैंथर्स पार्टी लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि जम्मू खित्ते के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर को 136 पोस्ट दी गई है और जम्मू को मात्र थोड़ी सी पोस्टें दी गई हैं। एक फितरत बन गई है, सरकार बदले, निज़ाम बदले, लेकिन आज भी जो पक्षपात है वो बददस्तूर जारी है। ये चिंता का विषय, ये कहना है पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह का। और आपको बताते चले कि हर्षदेव सिंह पहले भी ये आरोप लगा चुके हैं कि जम्मू खित्ते के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, कश्मीर और लद्दाख खित्ते को ड्यूशर मिल रहा है लेकिन जम्मू से पक्षपात हो रहा है। देखिए, एक नोटिफिकेशन निकला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें जम्मू के साथ भारी भेदभाव की शिकायतें जो हैं वो हुई थी और जहां जम्मू को मात्र 20 पोस्टें दी गई थी वहीं कश्मीर को 136 पोस्टें जो है वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स की और 9 पोस्टें कनिष्ठ सहायकों की दी गई थी, जिसको लेकर जम्मू के नौजवानों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा था। इसी के चलते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक ट्वीट किया कि इन पोस्टों को वापस ले लिया गया है। अब हम पूछना चाहते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कि एक मंत्री के ट्वीट की लीगल सैंक्टिटी क्या है? क्या आपने उस ऑर्डर को ऑफिशियली विड्रॉ किया है? अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि इन पोस्ट को विड्रॉ किया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां के नौजवानों के साथ एक बद्दा मजाक करने की कोशिश कर रही है। ये फॉर्मली ऑर्डर विड्रॉ किया जाना चाहिए और इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाना चाहिए और इस किस्म के ट्वीट हम कहना चाहते हैं इससे यहां के नौजवानों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपने पहले भी बहुत ज्यादा ट्वीट किए हैं, पहले यह कहा था जब 370 अबॉलिश हुआ कि 50,000 नौकरियां यहां के नौजवानों को दी जा रही हैं, फिर यह कहा गया दिल्ली से जनवरी के महीने में कि नई 50,000 पोस्ट और क्रिएट की जा रही है, यानी 1,00,000 नौकरियां देने का वादा पहले भी किया गया था, उसके ऊपर ट्वीट्स भी हुए, मीडिया में स्टेटमेंट्स भी हुई, लेकिन कोई भी नौकरी जो है अभी तक यहाँ के नौजवानों को नहीं मिली है। और पिछले दिनों जब फायर सर्विसेज की लिस्ट जारी हुई
उसमें भी जम्मू के साथ भारी भेदभाव जो है वो देखने को मिला था। जम्मू के नौजवानों के साथ इस किस्म का सौतेला व्यवहार पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और जिस तरीके से आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ट्वीट करके, ये आपको आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकता है। ये हमारी एक चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑफिशियल ऑर्डर निकालकर उस आदेश को वापस लिया जाए जिसके तहत जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया गया था और कश्मीर को जो है एक बार फिर से पैम्पर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। दर्शकों, डीडीसी चुनाव में हार के बाद पैंथर्स पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और आज पैंथर्स पार्टी के स्टूडेंट विंग ने एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में ये कहा कि एसपीओस जो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। उनका कहना है कि एसपीओस पूरी तरह से काम करते हैं, 24 घंटे 24/7 वो काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने ये डिमांड की है उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल जो हमारे देश की सेवा में 24 घंटे जुड़े हुए हैं लोग हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हमारे एसपीओज 35,000+ जो हैं, जो जिनको मात्र 6,000 रुपया 9,000 रुपया 12,000 15,000 और 18,000 दिया जाता है, उनके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया था। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गया था और एक मेमोरेंडम यहाँ से दिया था जो मेरे पास लेटर इस वक्त मौजूद है। जो भी हम पिछले 6 साल से इनके लिए हमने कोशिश की सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया ने और जो गवर्नर इंतजामिया से पहले जो सरकारें रही उन्होंने आज तक इनके साथ जो सौतेली माँ जैसा सलूक जो जारी रखा। अब हम ये डिमांड करते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि हमारी सिंपल डिमांड है कि एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए उनके लिए, और साथ में जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उस सिलसिले में हमारी पूरी टीम कल दिल्ली जा रही है और हम होम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश भी करेंगे। ऑलरेडी टाइम लिया हुआ है, जो ही टाइम मिलता है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल भी कर रहे हैं इनके हक के लिए और इनको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट से महरूम रखना कोई भी कानून इजाज़त नहीं देती है, जिससे इन 24 घंटे ड्यूटी करने वाले मुलाजमों को आज तक महरूम रखा गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जितने भी एसपीओज हैं उनको फौरी तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। यही आज प्रोटेस्ट करने का हमारा मकसद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने हर्षदेव सिंह और साथ ही साथ चौधरी लाल सिंह को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये लोग हितेशी होने की बात करते हैं जम्मू के, लेकिन ये जम्मू के आवाम के हितेशी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग कहीं ना कहीं जम्मू के साथ पक्षपात कर रहे हैं। जब ये पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो इनको जम्मू याद आता है, लेकिन जब जम्मू जा पावर से हट जाते हैं तो जम्मू इनको इग्नोर होने लगता है। उन्होंने कहा कि लोगों ने डीडीसी के चुनाव में इनको आईना दिखा दिया है, इनको उस आईने के मुताबिक काम करना होगा। गिनती हुई है उसका और पोल्ड वोट्स का बहुत सारा डिफरेंस पाया गया, बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस के सील्स टूटे हुए पाए गए, पहली बारी वोट्स की मिक्सिंग की गई, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से वोट्स इकट्ठा करके एक ही टब में डाल दिए गए, और जो एक प्रैक्टिस पहले चलती थी कि हर पोलिंग स्टेशन के वोट अलग से गिने जाते थे, उसको जो है वो इन्होंने गलत तरीके से जो है वो मिक्सिंग की उसकी, जिसकी वजह से जो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था उसके साथ भी छेड़छाड़ की है। और विनर को फेवर करने के लिए ये सब किया गया, और विनर किसको बनाना था ये सबको पता है। और ये पॉलिसी अब इन्होंने दिल्ली भेजी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्टेट की जो प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए एक अच्छी पॉलिसी आएगी, हम उम्मीद करते हैं। अगर हम बात करें तो कि प्राइस प्रेफरेंस की जो लोकल यूनिट को मिलना है, ये सुनने में आ रहा है कि 20% प्राइस प्रेफरेंस देने जा रहे हैं।
पर अगर हम पिछली पॉलिसी देखें जो पिछले टाइम की, उसमें 15% प्रेफरेंस तो था, पर वो सिर्फ कागजों में था, वो कोई डिपार्टमेंट उसको अडेयर नहीं करता था। डिपार्टमेंट यूनिट होल्डर से नेगोशिएट करते थे, नहीं जी आप अगर हमारे को 5% ले लो, 2% ले लो, 1% ले लो, तो वो एक तरह की ब्लैकमेलिंग हमारे लोकल यूनिट से होती थी, क्योंकि लोकल यूनिट के पास तो कोई जरिया नहीं है ना मटेरियल सप्लाई करने का, यहाँ से माल बाहर नहीं भेज सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नई पॉलिसी अब अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अपना गाइडलाइन में आ रही है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी ऐसा है कि बाहर के उद्यमों की अगर बात करते हैं, बाहर का जो उद्यमी यहाँ तभी आएगा उसको कोई जो है फिजिकल इंसेंटिव मिलेंगे। आप देखिए ना कि जो यहाँ बाहर का उद्यमी आगे यहाँ फैक्ट्री लगाएगा उसको तीन चीज़ें चाहिए, एक तो उसका रॉ मटेरियल का फ्रेट चाहिए आने का, और जाने का बाय रोड का, बाय रेल का तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। एक टर्नओवर का इंसेंटिव उसको मिलेगा तभी यहाँ पे आके वो इंडस्ट्री लगाएगा। 2017 में IDS 2017 एक पॉलिसी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 4-5 इंसेंटिव्स दिए गए थे, उनको इन्होंने लिंक कर दिया कि जितना प्लांट है मशीनरी में पैसे लगाएंगे उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई बाहर से नई इंडस्ट्री नहीं आई, एक दो यूनिट जो लगने अच्छे बड़े यूनिट लगने जा रहे थे वो भी पैकअप करके चले गए, जिसमें ब्लू स्टार था, जिसमें अपना ये था डाबर वाले थे, डाबर वालों ने गुवाहाटी में फैक्ट्री लगा ली, जाके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सांबा से ज़मीन छोड़ के गुवाहाटी में लगा ली। तो मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील है कि अगर पॉलिसी ला रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, उससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जो इन्होंने कुछ 57,000 कनाल ज़मीन अक्वायर कर रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए, उसको भी टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए। अब जब हमने घाटी इंडस्ट्रियल स्टेट आज 10 साल हो गए बनते, अब आगे कहीं तैयार हुआ। स्वाभाविक सी बात है दर्शकों, सन ऑफ द सॉइल चाहते हैं कि हमको प्रायोरिटी मिले, सन ऑफ द सॉइल ये भी चाहते हैं कि जो लीज पे लैंड उनको ली गई है वो भी उनको मिले। वो ये नहीं चाहते कि बाहर से निवेश आए, लेकिन वो साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि जम्मू में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आए उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल सन ऑफ द सॉइल लोग अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको भी प्राथमिकता मिल लीजिए। औद्योगिक नीति जो नहीं आ रही है, जो पिछले 2 साल से आ रही है, पीछे हमने पेपर में पढ़ा था कि ये दिल्ली में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेट कर दी है और अगली कैबिनेट मीटिंग में पास हो जाए, थ्रू हो जाएगी। अब 9 तारीख को शायद दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग उसमें थ्रू हो जाए। इस पॉलिसी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक पॉलिसी पहले भी आई थी जिसमें कोई बेनिफिट हमें दिखा नहीं है, ना कोई इसमें इन्वेस्टर आया ना कुछ। ऐसी पॉलिसी ना दोबारा बन जाए कि हमें फिर 5 साल नई पॉलिसी का ही वेट करना पड़े और डेवलपमेंट ना हो पाए। जहाँ तक आपने कहा कि जो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, बाहर से इन्वेस्टर आएगा उसको ज़मीन चाहिए। अभी इन्होंने ज़मीन एक्वायर की है 57,000 कनाल, अभी वो उसका रूपरेखा कोई नहीं है ज़मीन की, अभी वो पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, वो कैसे लेवलिंग होगी, कब तैयार होगी। तो इसके लिए मैं LG साहब से यही गुजारिश करूँगा, अगर प्रायोरिटी पे रख के उस ज़मीन को ये डेवलप कर दें, जहाँ लाइट, पानी, बिजली, सड़कें सब हो, डेवलप करके लोगों को दे 1-1.5 साल में, तो ही नए उद्योग आ पाएंगे, वरना इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ना हो कि नए उद्योग लाते लाते पुराने उद्योग बंद हो जाएं। हमने यही बार बार डिमांड की है कि जो आप पैकेज नई इंडस्ट्री को देते हो, वो जो चल रहे यूनिट हैं, जो हम लोकल सन ऑफ सॉइल चला रहे हैं यहाँ पे पिछले 25-30 साल से, हमें वही इंसेंटिव दिए जाए ताकि हमारा आपस में कंपटीशन ना हो जाए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद की, तो इसमें एक हमारे काफ़ी वर्कशॉप हो चुके हैं जेम पोर्टल पर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, GM इंडस्ट्रीज जम्मू के माध्यम से हमने अटेंड किए हैं। उसमें एक ही माइनस पॉइंट जो आता है, जो लोकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, वो है ट्रेडमार्क। जेम पोर्टल में आपको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए और 3 साल की आपकी ITR होनी चाहिए। जो नया यूनिट है वो जेम पे रजिस्टर नहीं कर पाता। जहाँ तक रहा ट्रेडमार्क का सवाल, वो लेंथी प्रोसेस है, उसको साल लग जाता है सारा कंप्लीट होने में। अगर हम बिना ट्रेडमार्क के करते हैं तो हमें वो रीसेलर रजिस्टर करते हैं, और गवर्नमेंट कभी प्रेफर नहीं करती है रीसेलर से माल लेने में, वो हमेशा OEM से माल लेना ही प्रेफर करती है। गलती तो वही हुई है जहाँ पिछली पॉलिसी में हुई थी। पिछली पॉलिसी में भी स्टेक होल्डर्स को बिठा के पॉलिसी नहीं बनाई गई और पॉलिसी रोल आउट कर दी गई कि ये हमारा हिडन डॉक्यूमेंट है जी, हम पॉलिसी पहले रिवील कर देंगे तो आप लोग वो शोर उठा दोगे इसके बारे में। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं दोनों पॉलिसीज में एक्टिव रहा हूँ। जब मैं 2015 में जनसेक्रेटरी बना था बड़ी बर्मा एसोसिएशन का, तब भी पॉलिसी रोल आउट हो रही थी, और 16 मार्च में पॉलिसी रोल आउट हो गई थी। हमारे काफ़ी इस मुद्दे पे तकरार रही उस समय भी डिपार्टमेंट से, और इस बार जब हमने पॉलिसी दोबारा लाने की जोर डाल के बनवाई है, तो इस बार भी सरकार ने शायद कुछ ऐसा ही किया है। हमें कहते रहे कि हम पॉलिसी बनाएंगे तो आपको बताएंगे, और जब पता चलता है कि वो पॉलिसी फाइनेंस ने वेट भी कर दी है, अब उस पॉलिसी में क्या क्या निकलेगा ये डिपार्टमेंट ही ज़्यादा
ज़्यादा अच्छी तरह जाने। हम तो यही चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार पॉलिसी पिटे ना। तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धांधलियाँ हुई हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ी हैं, लेकिन वो हर्षदेव जी और उनकी पार्टी नेशनल पैंथर्स पार्टी ने की हैं। धर्म पे नाम पे वोट मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इनके ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं। धर्म के नाम पे वोट, रिलीजियस नेताओं को इस्तेमाल किया गया, मजहबी किताबों को इस्तेमाल किया गया, शराब और नोट इस्तेमाल किया गया इन चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने अपना फैसला कोरा और करारा सुनाया है, मुंह की खानी पड़ी है। और मुझे लगता है अगली बारी जितने ये मिले हैं इतने भी नहीं मिलेंगे। पूरा सुपड़ा साफ हुआ है, जो बार बार कहते थे 14 की 14 जीतेंगे, जो कहते थे हम जिला उधमपुर में अपनी सरकार बनाएंगे, अरे जिला उधमपुर में क्या, आपका तो बोरिया बिस्तर ही, जैसे विधानसभा में इनका सुपड़ा साफ हुआ था ऐसे ही जिला विकास परिषद में भी सुपड़ा साफ हो गया। और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी जो रिकॉग्निशन, इनकी जो मान्यता, वो भी रद्द करेगा। किसी एक प्रमुख ऑफिसर ने, मैं आपके चैनल पर ये सबसे बड़ा ये लीड कर रहा हूँ, एक ऑफिसर ने इनको बचाने के लिए ये स्टेट रिकॉग्नाइज इलेक्शन, ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन उसके दायरे में नहीं आते, उस ऑफिसर ने अनड्यू बेनिफिट देके आज तक इसको रोक के रखा है। हम फिर अप्रोच करेंगे और इनकी मान्यता रद्द की जाएगी। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों का वक्त है और जम्मू में विकास की गाड़ी जो वो खुल के दौड़ेगी। एक तो सबसे पहले इनके बैठने का, इनके आने का, इनके जाने का फैसिलिटीज़ तो चाहिए, अगर कामकाज करना है उसका अभी नहीं बना है। और इसके साथ साथ अभी तक इनका प्रोटोकॉल और इनका जो कार्यभार किस दायरे में इन लोगों ने काम करना वो भी अभी तय नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इसको तय करेगी और जल्द से जल्द इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा, बैठने का भी इंतजाम होगा और इनका प्रोटोकॉल ऑर्डर्स भी तय होंगे। IIT द्वारा रोड बंद करने को लेकर के जगती के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि रोड बंद होने से शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को बड़ी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे, बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, IIT प्रशासन को एक मरतबा फिर अपना विचार करना होगा कि कहीं ना कहीं उस रोड को खोला जाए। और ये सारे इकट्ठे हुए हैं, इनका एक कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है और आराम से इकट्ठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारी गांव की कनेक्टिविटी है ये बंद ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास एग्जांपल्स हैं, जहाँ जैसे BS अपलोड़ा है, वहाँ बीच में से रास्ता है, मेसर है सांबा में, वो तो आर्मी एरिया है, वहाँ से रास्ता दिया है लोगों को। तो ये गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो उनको हमें मतलब ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने आदत सी डाल दी है, जब तक इकट्ठे ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद कम इसको मतलब विजन करती है कि क्या ये सही है, या जब तक इकट्ठे होना पड़ता है लोगों को कि चलो ये लोग, हम तो चाहते भी नहीं है कि इकट्ठे होके, गवर्नमेंट को खुद ही पता होना चाहिए पहले कि कैसे रास्ते चल रहे हैं। और इनकी कनेक्टिविटी ये है कि कुछ गांव ही कट गया बीच में से, आधे इधर रह गए, जैसे सिंबल लाइट सनियार का साया है वो इस तरफ है और एक गांव उस तरफ है। जदी पुश्ती जो है, जब से यहां पर बसे हैं लोग, जहां से लोग बसे हुए हैं तब का इधर है ये रास्ता। और ये रास्ता जो है, ये आगे पीछे वाले 5-6 गांव जो है, ये एरिया जो है, वहाँ सारे लोगों का रास्ता रहा है। ये IIM वाले बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे लोगों का भी ख्याल रखा जाए। क्यों कि हमारा जो, जहाँ पर दोनों एंड्स पर जो इनकी हमारी बस्तियाँ हैं, वो उनकी ज़मीनें जो है दोनों साइड्स में, तो आना जाना जो है लोगों का बड़ा इधर रहता है, जिसकी वजह से अगर ये बंद हो जाए तो वो कहते हैं IIM वाले कि हम अल्टरनेटिव रोड दे रहे हैं आपको जो 4 किलोमीटर है। तो इसकी हमने मेजरमेंट की है, 360 मीटर है ये, 350 मीटर है सिर्फ, आधा किलोमीटर भी नहीं है। और इसको बंद करेंगे हमारा जो है बिल्कुल जहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी जहाँ 2 स्कूल हैं वो बच्चे सारे उधर, इधर से बच्चे जो है उधर जाते हैं, वो छोटे बच्चे नेशनल हाईवे से कैसे जाएंगे, वो जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते वो। और ये जगटी गांव है, जगटी गांव के ये रोड जो है IIM की जो लैंड जो है दोनों को डिवाइड करती है ये रोड जो, तो ये
ये गांव जो है पंगाली है, सिंबल लैंड है, ये रास्ता रहा छिपा तक लोग, पंगाली तक लोग जो आते हैं वो इस रास्ते से आते हैं, और जो जहां आगे पीछे जो जितने भी हैं उनकी जहां पर रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, तो कैसे लोग जाएंगे। दूसरा, जहां पर ये जो पंचायत घर है हमारा, पंचायत घर है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, जहाँ का लोगों का आना जाना जो है, वैक्सीनेशन होती है, और भी एनजीओज वगैरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर, इसी रास्ते से जाते हैं। बाकी जहाँ पर जो है हमारा एक पीर बाबा है, जहाँ भी लोग वीरवार को जाते हैं, और जहाँ दूसरी साइड में हमारा कुलदेव है, कुलदेव जो है जहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन रहता है, शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उधर लोग जरूर जाते हैं। मत्था डिमांड है जो आज लोग, डिमांड ये है कि ये सड़क जो है नहीं बंद होनी चाहिए। हम नहीं कहते IIM को कोई प्रॉब्लम हो, वो अपना फ्लाईओवर बना लें, चाहे कुछ इसका रोड जो है वो छोड़ दें लोगों के लिए, क्योंकि रोड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शकों, निर्माण निधि समर्पण अभियान विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर के सांभा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जिसमें उन्होंने लोगों से, चाहे यूथ हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, जितना सामर्थ्य उनके पास है उतनी ही आर्थिक सहायता की मांग की। राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के माध्यम से भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, आज वही विषय था कि राम जी ने जिस प्रकार पूर्ण जीवन पर्यंत सभी को साथ लेकर के चले। राम जी, आपने देखा होगा, जीव जंतु से लेकर के, पुरुषों से लेकर के, मातृशक्ति से लेकर के, समूचे सभी को लेकर के साथ चले। हम लोगों का भी यही आह्वान है कि राम मंदिर निर्माण में एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी निधि दे सके, चाहे वो एक रुपए की क्यों ना हो, उसे प्राउड हो, उसे गर्व हो, और जब भव्य राम मंदिर बने तो उसे लगे कि इसमें मेरी भी निधि है, इसमें मेरा भी समर्पण है, ये मंदिर मेरा भी है। और भगवान राम जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आज हैं, उसी प्रकार ये मर्यादा पूरे विश्व में एक राष्ट्रोत्थान के दिशा की ओर जो आज हमारा भारत जा रहा है, राष्ट्र समर्पण जो आप देखने को मिल रहा है, राष्ट्र की उन्नति प्रगति जो देखने को मिल रही है, तो हम तो यही आह्वान करेंगे कि राम मंदिर निर्माण जो हो वो पूरे विश्व में एक दिग्दर्शक बने, एक ऐसा भाव उत्पन्न हो कि जहाँ से सबको एक लगे कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, अपनेपन का भाव उत्पन्न हो, उसी विषय को लेकर के जी। दर्शकों, अब हम बात करेंगे उद्योग की। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को 370वें संशोधन हुआ, 3500 को रिपील कर दिया गया, उसके बाद से बाहरी प्लेयर भी आएंगे। बाहरी प्लेयर को लेकर के पहले भी कोशिश की जाती है, निवेश बाहर से ज़्यादा है, इसका प्रयास किया जाता है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज ये मानते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि बाहरी इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट हैं, लोकल प्रोडक्ट हैं, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, प्राइस प्रेफरेंस उनको मिलना चाहिए। बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब मेरे, हमने भी आज के एक अपना न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने इस न्यूज़ के ऊपर देखा है कि कोई गवर्नमेंट नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने जा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं, उसके लिए हम लोगों से सजेशंस वगैरह सारी ली हुई हैं, और उसके लिए हम अपने जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं, और हमारे मनोज कुमार द्विवेदी जी जो कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अनु मल्होत्रा हैं, इन्होंने इस पॉलिसी के ऊपर बड़ा काम किया, और ये पॉलिसी अब इन्होंने दिल्ली भेजी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्टेट की जो प्रेजेंट पोजीशन को देखते हुए एक अच्छी पॉलिसी आएगी, हम उम्मीद करते हैं। अगर हम बात करें तो कि प्राइस प्रेफरेंस की, जो लोकल यूनिट को मिलना है, ये सुनने में आ रहा है कि 20% प्राइस प्रेफरेंस देने जा रहे हैं, पर अगर हम पिछली पॉलिसी देखें जो पिछले टाइम के, उसमें 15% प्राइस प्रेफरेंस तो था,
पर वो सिर्फ कागजों में था, वो कोई डिपार्टमेंट उसको अडेयर नहीं करता था। डिपार्टमेंट यूनिट होल्डर से नेगोशिएट करते थे, नहीं जी आप अगर हमारे को 5% ले लो, 2% ले लो, 1% ले लो, तो वो एक तरह की ब्लैकमेलिंग हमारे लोकल यूनिट से होती थी, क्योंकि लोकल यूनिट के पास तो कोई जरिया नहीं है ना मटेरियल सप्लाई करने का, यहाँ से माल बाहर नहीं भेज सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नई पॉलिसी अब अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के अपना गाइडलाइन में आ रही है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी ऐसा है कि बाहर के उद्यमों की अगर बात करते हैं, बाहर का जो उद्यमी यहाँ तभी आएगा उसको कोई जो है फिजिकल इंसेंटिव मिलेंगे। आप देखिए ना कि जो यहाँ बाहर का उद्यमी आगे यहाँ फैक्ट्री लगाएगा उसको तीन चीज़ें चाहिए, एक तो उसका रॉ मटेरियल का फ्रेट चाहिए आने का, और जाने का बाय रोड का, बाय रेल का तो कोई पर्पज़ ही नहीं है। एक टर्नओवर का इंसेंटिव उसको मिलेगा तभी यहाँ पे आके वो इंडस्ट्री लगाएगा। 2017 में IDS 2017 एक पॉलिसी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें 4-5 इंसेंटिव्स दिए गए थे, उनको इन्होंने लिंक कर दिया कि जितना प्लांट मशीनरी में पैसे लगाएंगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई बाहर से नई इंडस्ट्री नहीं आई, एक दो यूनिट जो लगने अच्छे बड़े यूनिट लगने जा रहे थे वो भी पैकअप करके चले गए, जिसमें ब्लू स्टार था, जिसमें अपना ये था डाबर वाले थे, डाबर वालों ने गुवाहाटी में फैक्ट्री लगा ली, जाके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सांबा से ज़मीन छोड़ के गुवाहाटी में लगा ली। तो मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील है कि अगर पॉलिसी ला रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, उससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जो इन्होंने कोई 57,000 कनाल ज़मीन अक्वायर कर रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए, उसको भी टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए। अब जब हमने घाटी इंडस्ट्रियल स्टेट आज 10 साल हो गए बनते, अब आगे कहीं तैयार हुआ। स्वाभाविक सी बात है दर्शकों, सन ऑफ द सॉइल चाहते हैं कि हमको प्रायोरिटी मिले, सन ऑफ द सॉइल ये भी चाहते हैं कि जो लीज पे लैंड उनको ली गई है वो भी उनको मिले। वो ये नहीं चाहते कि बाहर से निवेश आए, लेकिन वो साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि जम्मू में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आए उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल सन ऑफ द सॉइल लोग अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। औद्योगिक नीति जो नई आ रही है, जो पिछले 2 साल से आ रही है, पीछे हमने पेपर में पढ़ा था कि ये दिल्ली में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेट कर दी है और अगली कैबिनेट मीटिंग में पास हो जाए, थ्रू हो जाएगी। अब 9 तारीख को शायद दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग उसमें थ्रू हो जाए। इस पॉलिसी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि एक पॉलिसी पहले भी आई थी जिसमें कोई बेनिफिट हमें दिखा नहीं है, ना कोई उसमें इन्वेस्टर आया ना कुछ। ऐसी पॉलिसी ना दोबारा बन जाए कि हमें फिर 5 साल नई पॉलिसी का ही वेट करना पड़े और डेवलपमेंट ना हो पाए। जहाँ तक आपने कहा कि जो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, बाहर से जो इन्वेस्टर आएगा उसको ज़मीन चाहिए। अभी इन्होंने ज़मीन एक्वायर की है 57,000 कनाल, अभी वो उसका रूपरेखा कोई नहीं है ज़मीन की, अभी वो पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, वो कैसे लेवलिंग होगी, कब तैयार होगी। तो इसके लिए मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करूँगा, अगर प्रायोरिटी पे रख के उस ज़मीन को ये डेवलप कर दें, जहाँ लाइट, पानी, बिजली, सड़कें सब हो, डेवलप करके लोगों को दे 1.5 साल में, तो ही नए उद्योग आ पाएंगे, वरना इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ना हो कि नए उद्योग लाते लाते पुराने उद्योग बंद हो जाएं। हमने यही बार बार डिमांड की है कि जो आप पैकेज नई इंडस्ट्री को देते हो, वो जो चल रहे यूनिट हैं, जो हम लोकल सन ऑफ सॉइल चला रहे हैं यहाँ पे पिछले 25-30 साल से, हमें वही इंसेंटिव दी जाए ताकि हमारा आपस में कंपटीशन ना हो जाए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद की, तो इसमें एक हमारे काफ़ी वर्कशॉप हो चुके हैं जेम पोर्टल पे, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, जीएम इंडस्ट्रीज जम्मू के माध्यम से हमने अटेंड किए हैं। उसमें एक ही माइनस पॉइंट जो आता है, जो लोकल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, वो है ट्रेडमार्क। जेम पोर्टल में आपको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए और 3 साल की आपकी ITR होनी चाहिए। जो नया यूनिट है वो जेम पे रजिस्टर नहीं कर पाता। जहाँ तक रहा ट्रेडमार्क का सवाल, वो लेंथी प्रोसेस है, उसको साल लग जाता है सारा कंप्लीट होने में। अगर हम बिना ट्रेडमार्क के करते हैं तो हमें वो रीसेलर रजिस्टर करते हैं, और गवर्नमेंट कभी प्रेफर नहीं करती है रीसेलर से माल लेने में, वो हमेशा OEM से माल लेना ही प्रेफर करती है। गलती तो वही हुई है जहाँ पिछली पॉलिसी में हुई थी। पिछली पॉलिसी में भी स्टेक होल्डर्स को बिठा के पॉलिसी नहीं बनाई गई और पॉलिसी रोल आउट कर दी गई कि ये हमारा हिडन डॉक्यूमेंट है जी, हम पॉलिसी पहले रिवील कर देंगे तो आप लोग वो शोर उठा दोगे इसके बारे में। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं दोनों पॉलिसीज़ में एक्टिव रहा हूँ। जब मैं 2015 में जनसेक्रेटरी बना था बड़ी एसोसिएशन का, तब भी पॉलिसी रोल आउट हो रही थी, और 16 मार्च में पॉलिसी रोल आउट हो गई थी। हमारे काफ़ी इस मुद्दे पे तकरार रही उस समय भी डिपार्टमेंट से, और इस बार जब हमने पॉलिसी दोबारा लाने की जोर डाल के बनवाई है, तो इस बार भी सरकार ने शायद कुछ ऐसा ही किया है। हमें कहते रहे कि हम पॉलिसी बनाएंगे तो आपको बताएंगे, और जब पता चलता है कि वो पॉलिसी फाइनेंस ने वेट भी कर दी है, अब उस पॉलिसी में क्या क्या निकलेगा ये डिपार्टमेंट ही ज़्यादा अच्छी तरह जाने। हम तो यही चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार पॉलिसी पिटे ना।
तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।